अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आई एम योर कुकिंग एक्सपर्ट सफी। आज हम बनाएंगे आंध्रा स्टाइल कद्दू का सालन विथ सीक्रेट इंग्रेडिएंट। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है आप आखिरी तक वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप नोट डाउन कीजिए। देखिए, हाफ कप तेल डाली मैं, देखिए तेल गरम हो चुका है। हाफ टी स्पून राई दाना डाल रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जीरा हाफ टी स्पून, सूखी लाल मिर्च, दो सूखी लाल मिर्च, इसको फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं। ये 1 टीस्पून चना दाल, वन टीस्पून उड़द दाल, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। चंद करी पत्ते, बारीक कटी हुई प्याज, एक दरमियानी साइज मीडियम साइज प्याज ली मैं, तो बारीक चॉप कर ली। इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। पांच छह हरी मिर्च बारीक चॉप कर दी मैं, ये भी डाल देंगे। क्योंकि इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर। देखिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको जितना मिर्ची चाहिए आपके मिर्ची के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 किलो ये कद्दू है, ऐसे काट दी मैं। देखिए 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, नमक भी 1 टीस्पून, बाद में चक्के भी डाल सकते हैं।
कम हुआ तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा हो गए तो बहुत मुश्किल है। देखिए अच्छे से मिक्स कर दी मैं इसको, मैं ढक्कन ढक के 20 मिनट्स तक छोड़ दूंगी धीमी आंच पे। देखिए पकाते हुए 15 मिनट्स हो गए, अभी देखेंगे क्या सूरत हाल है। देखिए इसमें एक कतरा भी मैंने पानी नहीं डाली, एक कतरा भी, इतना पानी छूट गया। बहुत धीमी आंच पे मैं पका रही हूँ इसको, तेज़ आंच में बिल्कुल भी मत पकाइएगा। और इसको 10 मिनट्स में पकाऊंगी ढक के, उसके बाद जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए 10 मिनट्स हो गया, दोबारा ढक के पकाए ना, 10 मिनट्स हो गए माशाल्लाह से। अभी इसमें मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध, क्रीम भी डाल सकते हैं। ये दूध डालने से एक सौंदापन आता। बस फिर से फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। बहुत ज़बरदस्त ये टेस्ट आएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। बस डिश आउट करके मैं बताऊंगी, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालें। बस दैट्स इट, डिश आउट करके मैं बताऊंगी। दूध डालने के बाद पकाना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट्स में चूल्हा बुझा दी बस। ओके जी, ओके फ्रेंड्स, तैयार होकर टेबल पे आ चुका है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, पूरी चपाती रोटी इवन वाइट राइस में भी बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन एक्टिवेट करिए और ऑल प्रेस करिए, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपके पास पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। For watching, please subscribe my YouTube channel and also activate bell icon to get latest updates.